एक होर की है कि थोड़े बहुत ना रूल्स बनाने पैंदे आ अपने हैल्थी लाइफस्टाइल नूं हैल्थी रखण लई। ओह रूल्स भी मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होंदे बट इंपॉर्टेंट होंदे ने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। साडे घर विच वल मेरे लई इह रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जदों खाणा खाणा उहनूं ऐं तेजम तेज नहीं खाणा, बिल्कुल स्पीडा चक के नहीं खाना। मतलब मूँह से जड़ी बुरकी पाई वो हाले अंदर गई नहीं, नाले खोर पाली खोर पाली। या मेरा एक रूल हैगा कि मैं कदे टेबल ते बैठे बिना खाना नहीं खाती। इदा नहीं है कि भाई मैं ना रसोई खड़ी उत्थे खड़ी होकर खाई जाऊँगी, उत्थे जाऊँ उत्थे खाई जाऊँगी, नथिंग। मैं प्लेट विच पा के टेबल ते रख के उत्थे बैठ के और पूरा फोर्क स्पून जिहदे नाल भी खाना बह के उहदे नाल खानी हाँ हमेशा। मैं कदे इदा नहीं भी फटाफट फटाफट जिथे भी खाई जाओ ते खा के। दूसरा ये भी बहुत जरूरी है कि इदा नहीं बस फिर खाई इदा नहीं करना, प्लीज़ डोंट डू दैट। सेवर करो, स्वालो ना करो। इट्स इंग्लिश कहते हैं सेइंग हैगी कि डोंट स्वालो जस्ट सेवर द मील। सेवर द मील मतलब कि तुम अपनी प्लेट च पाओ, चम्मच मूँह च पाओ, जो खा रहे हो बुरकी पाओ, उस तो बाद अपना हाथ थले रख लो, इंजॉय करो उस मील में। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि थोनों वो इन्ना टेस्टी खाना मिल रहा है, वो स्वाद में इंजॉय करो एंड फिर दूजी बुरकी लाओ, फिर दूजी बुरकी लाओ। ठीक है थोनों खाण दे विच 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, सो वट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपां अपनी बॉडी नूं भी अपने माउथ नूं भी इन्नी आदत होंदी है कि इन्नी वारी वो इदा इदा करके खा सकदा, तां जस्ट सेवर द मील। वो हौली खाओ, उन्हूं तेजम तेज वाले उच ना करो। तो उहदे नाल की है तुसीं बहुत ऑफकोर्स थोड़ी मील जिन्नी तुसीं खाणी हो तो कितने ज़्यादा हो जाऊगी, पर जे तुसीं सेवर करोगे उन्हूं आराम नाल खाओगे, इंजॉय करोगे, करते करते इधर उधर देखोगे। मैं अगे अपने पापा नूं कहिंदी हुंदी सी पापा चमचा रखो फिर इधर उधर देखो। मेरे पापा भी कहते भी अच्छा किद्दां करा, पर नाउ इज़ वेरी गुड, ही डज दैट। सो प्लीज़ सेवर योर मील। एक होर चीज़ जो कि बहुत होंगी है इंडियन फैमिलीज़ विच, पंजाबी फैमिलीज़ खास करके, आई एम श्योर सारी इंडियन फैमिलीज़ होंगी होगी, वो है कि जो तुसी किसी के घर खाना खान गए है ना, उत्थे डेफिनेटली एक आंटी होंगी है जिन्होंने बहुत टेस्टी पिन्निया बनाई होंगी या फिर उन्होंने बहुत टेस्टी हलवा बनाया होंगे या कुछ भी उन्होंने बहुत टेस्टी डिश बनाई होंगी है। तो कहें मैं तुम दस मेरे नाल की होंगे, तो मेरे कहें किमी आ तू लै कि नहीं आंटी मैं मेरा मन नहीं है मैं नहीं खाऊंगी। अरे मैं इन्ना स्वाद बनाया वा तू खाएंगी नहीं, मतलब सानू फिर मैं चंगा नहीं लगना। मैं कहो आंटी कम ऑन, मैं पता मैं जिनी स्वीट थोड़े नाल होना उन्नी मैं थोड़ा खाते बिना भी रहूँगी, तुम फिक्र ना करो, मेरे लिए तुम दुनिया के सब तो बेस्ट कुक हो, ये सब तो स्वाद तुम ही बनाने हो, दैट्स इट। पर नहीं मैं खाऊंगी नहीं। अच्छा मैं फिर बुरा लगेगा। आंटी कोई ना थोड़ा बुरा लगेगा पर तुम सोचो मेरी सेहत लिए वधिया, मेरे हिसाब न आंटी थोनू भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि थोड़ी हेल्थ लिए भी है ठीक नहीं। इट्स लाइक मतलब आंटी इज लाइक डिफरेंट चक्कर, पर तुम सीरियसली आई मीन एज माई फ्रेंड्स तो सारे सोच के देखो भी की होगा वो तो बाद थोड़े उस स्पेशल आंटी नू अंकल नू खराब लगेगा, बट इट्स ओके दे गोना बी फाइन। बट उस करके मैं अपनी हेल्थ थोड़ा खराब करूँगी, मतलब आई एम वेरी ब्लंट दा हुआ है, ब्लंट बट स्वीटली ब्लंट। वो मैं उन्होंने कहनी हाँ आंटी मैंने उन्होंने डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर कहता जो तो उरे तक भर जाओ ना बस चमचा रख दो होर नहीं खाना भावे आंटी जिन्ना मर्जी कवे। सो जस्ट गेट यूज टू इट, जस्ट गेट यूज टू सेइंग नो, इट्स टोटली फाइन टू से नो। एंड मैनू ये भी लगता होंगे कि एवं यू नो अननेसेसरी आप पै जाने भी आंटी कहते भी नहीं नहीं एक रोटी होर लै लो, थोड़ा जहा होर लै लो, माड़ा जहा एक रसगुल्ला होर लै लो। हाँ नहीं इतने थोड़ा माइंड बहुत कम होगा, कहो ना ना नो। एक होर जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप हैगा वो हैगा कि अच्छी नींद होना। हाँ जी हाँ जी बहुत जरूरी है थोड़ा हैल्थी वेट मेनटेन करन लई एंड जे तुसी वेट लूज़ करन दी कोशिश कर रहे हो तो ओहदे लई बहुत बहुत जरूरी है। एंड तुसी हैरान हो जाओगे सुन के कि अक्षय कुमार इन्ने ही सच अ बिग एक्टर राइट, मतलब मैं तो बहुत पसंद है, आई लव हिज मूवीज टू, कि उन्होंने पूरा उन्होंने बनाया हुआ कि मैं 9 बजे सौ जाना, दैट्स इट। अनलेस कोई पार्टी हैगी कितने जाना या फिर कुछ होर हैगा, बट अदरवाइज कदे भी नहीं कि 9 बजे उन्होंने सोना और सवेरे 4 बजे उन्होंने उठना, सिंपल। इस तो बिना ही इज़ नॉट, इस तो बिना वो कदे आपका रूल चेंज नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैगा कि थोड़ी नींद पूरी होवे, डजंट मैटर वॉट, हमेशा ट्राई करो क्योंकि अच्छी तरह थोड़ी बॉडी बड़ी सोहनी यूज टू होंगी है, क्योंकि तुम अपनी बॉडी में पूरा यूज टू कर रहे हो कि
ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ ਮੇ ਬੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰ ਸੋਚੋ ਕਿ 10 ਵਜੇ 10:30 ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 7-8 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਨੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਕੁਛ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਅੱਛੀ ਲਓ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਟਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ ਸੱਚੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਪੱਕਾ ਸੌੜਾ ਓਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਆਫਕੋਰਸ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਟਿਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੌਲੀ 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 ਆਈਲ ਕੀਪ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਵਰਕਸ ਫੋਰ ਮੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਸੜ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਔਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਲੋਸ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੋਰ ਟਿਪਸ ਨਾਲ ਆਫਕੋਰਸ